डैशबोर्ड से गोल्ड स्प्लिट टोकन कैसे निकालें? एस्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट्स गोल्ड खरीदने के बाद अगला कदम स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन में आपके वॉलेट में प्राप्त गोल्ड स्प्लिट टोकन का भुगतान करना है। गोल्ड स्प्लिट टोकन के साथ लेन देन करने के लिए अपने वॉलेट को एक्टिवेट करना न भूलें। एक्टिवेट करने के लिए बस 0.1 से अधिक स्मार्ट को अपने वॉलेट में ट्रांसफर करें। हम आपको यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि स्मार्ट कॉइन का उपयोग अल्टिमा के साथ सभी लेन देन में गैस के रूप में किया जाता है। लेन देन करने के लिए आपके वॉलेट में कम से कम 5,500 स्मार्ट होने चाहिए। तो गोल्ड स्प्लिट टोकन वापस लेने के लिए DeFiU वेबसाइट पर डैशबोर्ड खोलें। सबसे ऊपर बाईं ओर आपको अवेलेबल गोल्ड स्प्लिट विजेट दिखाई देगा। यह आपके गोल्ड स्प्लिट टोकन का उपलब्ध बैलेंस है। इस विजेट में एक पे आउट बटन है। इस बटन पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि टोकन वापस लेने के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको अपने गोल्ड स्प्लिट वॉलेट का एड्रेस पेस्ट करना होगा। एड्रेस स्मार्ट वॉलेट में कॉपी किया जा सकता है। कॉपी किया गया एड्रेस पेस्ट करें, निकाले जाने वाले गोल्ड स्प्लिट की मात्रा बताएं और ट्रांसफर बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड दर्ज करना होगा। गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन खोलें और एप्लीकेशन में वर्तमान कोड को उपयुक्त फील्ड में दर्ज करें। यदि आप सब कुछ सही ढंग से करते हैं तो आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि टोकन वापस लेने का अनुरोध बनाया गया है। जल्द ही टोकन आपके निर्दिष्ट वॉलेट में पहुंच जाएंगे। आपको पेआउट की हिस्ट्री पेआउट्स हिस्ट्री सेक्शन में मिलेगी। यदि आपके कोई सवाल हैं तो कृपया सपोर्ट से संपर्क करें और हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी। हम आपके सफल काम की कामना करते हैं।